बंधक बनाकर लूटा विरोध किया तो चाकू घोंप दिया, सोने की चेन तोड़ ली, कानों की बारियां भी खींच ली, हजारों रुपए ले गए। सदमे में महिला काफी देर तक कुछ बोल भी नहीं सकी। बेटा आया तो लाया अस्पताल। गर्मी में पानी पिलाना भी जानलेवा साबित हो सकता है। कालवाड़ क्षेत्र में रहने वाली 40 वर्षीय महिला के साथ ऐसा ही हुआ। पानी पीने के बहाने घर में दो बदमाश जबरन घुस गए और उसके बाद हैवानियत की हदें पार कर दी। मकान मालकिन घर में अकेली थी, उसे रसोई में बंधक बनाकर पीटा। फिर भी महिला ने विरोध किया तो उसे चाकू मार दिया। उसके बाद जेवर और कैश लूटकर बदमाश फरार हो गए। अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद महिला सदमे में चली गई। बाद में बेटा लौटा तो माँ को अस्पताल लेकर गया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। बेटा काम पर गया था, माँ बाजार से लौटी ही थी तभी बाइक सवार दो लड़के आ गए। कालवाड़ पुलिस ने बताया कि आशा विहार में रहने वाली 40 वर्षीय शमीम बानो का बेटा काम पर गया था। शमीम बानो भी बाजार किसी काम से गई थी और दोपहर में लौटी थी। कॉलोनी में लगभग पूरी तरह से शांति थी। गर्मी के कारण इक्का दुक्का व्यक्ति ही बाहर घूम रहा था। इस दौरान जैसे ही शमीम घर में घुसी तो कुछ देर के बाद बाइक पर दो लड़के वहां आ गए। उनमें से एक ने शमीम बानो को बुलाकर पानी मांगा। शमीम बानो पानी लेने के लिए अंदर गई तो पीछे पीछे दोनों बदमाश भी अंदर आ गए। शमीम ने उनको वापस जाने के लिए कहा तो उन्होंने उसे बंधक बना लिया, किचन में ले गए, पीटा, विरोध किया तो चाकू घोंप दिया। दर्ज FIR के आधार पर पुलिस ने बताया कि शमीम बानो को दोनों बदमाशों मुंह बंद कर किचन में ले गए। वहां पर ले जाकर गले से चेन खींचने लगे। बानो ने विरोध किया और हाथ से चेन बचाने का प्रयास किया तो उनमें से एक ने हाथ पर चाकू घोंप दिया। चाकू मारने के बाद दूसरे ने गले से चेन खींच ली और कानों से बालियां तोड़ ली। इसके बाद भी एक बदमाश शमीम बानो को बंधक बनाकर खड़ा रहा और दूसरे ने पास के कमरे में जाकर पर्स निकाल लिया। पर्स में करीब 10 से 15 हजार रुपए थे और कुछ सरकारी दस्तावेजों की कॉपी थी। लूटपाट कर महिला से मारपीट कर बदमाश फरार हो गए। बाद में जब कुछ देर के बाद बेटा आया तो माँ को लेकर अस्पताल गया।